हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एशियन के एस पेंट के बारे में। ये आपको मार्केट में सबसे अधिक बिकने वाला पेंट है। आज हम इसी पेंट के बेस पेंट के बारे में बात करने वाले, बेस में कि कौन कौन से इसमें बेस आते हैं और कौन कौन से बेस में कैसा कलर बनता है। जैसे हमने पिछली वीडियो जो हमने बनाया था आपको GSW का पिक्सा के बेस के बारे में बताया था कि उसमें कौन कौन से बेस आते हैं और उसमें कौन कौन से कलर बनाए जाते हैं। वैसे आज हम एशियन के एक मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट जो एस है, हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं और उसके बेस के बारे में हम आपको बताने वाले कि कौन कौन से बेस आते हैं और कौन कौन से बेस का ज़्यादा आपको सेल है, कौन कौन से बेस कम निकलते हैं और या उनमें कौन कौन से बेस में कौन कौन से कलर बनाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द पेंट ग्रुप पे। जो भी हमने पिछली वीडियो डाला था उसको आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल द पेंट ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी आप ब्रांड लीजिएगा, या आप एशियन लें, नेरोलैक लें या फिर आप ड्यूलेक्स लें, कोई भी पेंट ब्रांड लेते हैं तो उसमें आपको 4 से 5 बेसेस आते हैं। पहला आता है वाइट बेस, जिसमें कोई भी आप लाइट कलर बनाते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट बेस, जिसमें आप उससे थोड़ा सा डार्क कलर बनाते हैं। फिर आपको आता है एक क्लियर बेस, जिसमें जो भी बॉर्डर वगैरह का कलर है आप उसमें बनाते हैं, वो सबसे गाढ़ा कलर बनाने के लिए यूज होता है। फिर आपको आता है येल्लो बेस, जिसमें आप कोई भी सनराइज कलर या फिर डार्क येल्लो कलर शेड का कोई भी आप उसमें पेंट बनाते हैं। फिर आपको आता है रेड बेस, जिसमें रेड बेस में होता है ये कि जैसा आपको कुछ मेजेंटा कलर से रिलेटेड कोई भी आपको बनाना होता है, रेडिश कलर से रिलेटेड कुछ शेड बनाना होता है तो आप उसमें रेड बेस को यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि सारी कंपनियां हर बेस हर रेंज में आपको प्रोवाइड करें। जैसे आप इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट आप कोई भी लेते हैं, जैसे एस स्पार्क लेते हैं या फिर आप सुरक्षा लेते हैं या फिर प्रॉमिस स्मार्ट चॉइस लेते हैं, इन सारे में सभी बेस नहीं आते। इसमें सिर्फ व्हाइट और इंटरमीडिएट बेस आपको देखने को मिल जाता है। जनरली इकोनॉमिक रेंज में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बेस ही देखने को मिलता है। तो चलिए हम आज एस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से बेस आते हैं, उसमें कौन कौन से कलर बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट बेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं एशियन का ये है AC2, ये व्हाइट बेस है। इसको आप एज ए व्हाइट की तरह जैसे सेलिंग वगैरह में लगाना हो तो एज ए व्हाइट भी यूज पेंट यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी लाइट कलर आपको लगाना है, जैसे मान के चलिए कि हल्का पिंक हो गया, हल्का ग्रीन हो गया या फिर कोई भी लाइट कलर आप कोई भी लाइट शेड में पसंद करते हैं तो आप उसको उस जगह पे आप AC2 का ही इस्तेमाल करें, या मशीन पे जब आप कोट डालेंगे तो वहां पे आपको AC2 ही डिमांड करेगा। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट बेस के, जो इससे थोड़ा सा ऊपर होता है या फिर उसमें आप जो थोड़ा इससे ज़्यादा डार्क कलर बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये है AC9, ये है इंटरमीडिएट बेस। आप किसी और ब्रांड का भी अगर आप देखिएगा तो इसी तरह से आता है, वाइट, इंटरमीडिएट, क्लियर और येल्लो। तो ये है इंटरमीडिएट बेस। इसमें कोई भी आप मिड रेंज का जो भी डार्क है आप उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, कोई कोड पसंद करते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं। ये इंटरमीडिएट बेस जो होता है वो मीडियम डार्क कलर के लिए होता है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं ये है AC21। आप देख सकते हैं ये 21 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक क्लियर बेस होता है जिसमें सारे डार्क कलर बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको सारे डार्क कलर बनाए जाते हैं, जो भी आप डार्क कलर शेड पसंद करते हैं, जैसे डार्क ग्रीन हो गया, डार्क कोई भी ब्लू हो गया, डार्क ग्रे कलर हो गया, आप कोई भी कलर इसमें जो डार्क में आप सेट कर सकते हैं, जो बॉर्डर वगैरह के लिए यूज किया जाता है वो आपको इसी में बनता है। फिर आता है आपको येल्लो बेस। आप ये देख सकते हैं येल्लो बेस, ये लिखा होगा AC17 लिखा होगा, ये हो गया येल्लो बेस। इसमें आप कोई भी जो सनराइज कलर है, जो जनरली आपको सनराइज कलर बनाते हैं वो आप इसमें सनराइज कलर में आप येल्लो बेस में बना सकते हैं, या फिर डार्क येल्लो शेड का कोई भी कलर आप इसमें बना सकते हैं। इसमें एक और भी बेस होता है रेड बेस, वो मेरे को लगता है एशियन में नहीं आता, क्योंकि जो यहाँ से हम काम करते हैं उनसे पूछा भी, उनसे रिक्वायरमेंट भी करा तो उन्होंने कहा कि नहीं एपेक्स में रेड बेस आता है, एस में आपको नहीं मिलता। बट DPL में वो कह रहे कि दिख रहा था बट उनके पास शायद स्टॉक ना हो या फिर वो उन्होंने कहा कि वो हमें नहीं मिलता। तो ये फिलहाल 4 ही बेस है जो मैं अपने शॉप पे यूज करता हूँ। मेरे को अभी तक 3 साल हो गया, मेरे को रेड बेस की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं लगी या फिर वो नहीं बना। जनरली हम इन चारों का ही यूज करके आपको पेंट बनाते हैं और उसमें अलग अलग कलर बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो यूज होता है AC2, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाइट कलर जो है इसमें बन जाता है, या फिर आप व्हाइट के तौर पे आप इसी को यूज कर लेते हैं। आपको 50% अगर आप मान के चलिए कि सेल का अगर रेशियो निकालो तो 50% सेल आपको इसका होता है, 25% आपको ये होता है, आपको ये कह लीजिए कि इंटरमीडिएट बेस,
और 25% में ये दोनों होते हैं, ये येलो बेस और आपको क्लियर बेस। सबसे ज्यादा आप देखिए तो डिमांड इसी का होता है, इसी में आपको लाइट कलर या व्हाइट कलर जो भी बनाना होता है, व्हाइट के तौर पे भी आप बेच के निकल बेचते हैं, तो ये ज्यादातर आपको इसी का यूज होता है। जब ऑर्डर भी लगाएं, अगर आप नए डीलर हैं आपको काम करना है तो आप इसी को ज्यादातर ऑर्डर दें, इन सबको थोड़ा थोड़ा कम मंगाएं, जैसे जैसे सेल हो आप उसको मंगाते रहें और बेचते रहें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारे बारे इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।